ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, जैसा अभी थंबनेल पे देख चुके हो, हाउ वी कैन जनरेट अनलिमिटेड कैन इंक्वायरीज एंड लीड्स फ्रॉम गूगल। गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दैट इज मेंट फॉर हाई इंटेंट। आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हो, डू इट, लेकिन सोशल मीडिया से जो लीड्स आते हैं वो कोल्ड ट्रैफिक होते हैं विद वेरी लो इंटेंट। आप सोशल मीडिया पे जाते क्यों हो? आप सोशल मीडिया पे जाते हो वीडियोस देखने के लिए, इमेज देखने के लिए, आप बोलो तो टाइम पास करने के लिए। यू डू बिंज वॉच देयर, जैसे टीवी के सामने रिमोट जब आप लेके खड़े होते हो, यू स्टैंड देयर जस्ट टॉगल ऑन द चैनल्स विदाउट एनी फ्रिकिंग इंटेंट और ऑब्जेक्टिव। सिमिलरली आप भी सोशल मीडिया पे इसीलिए हो। सोशल मीडिया के ऊपर जो भी विजिटर आते हैं दे आर नॉट इन ए फ्रेम ऑफ माइंड टू डू बिजनेस, लेकिन गूगल के ऊपर जो ट्रैफिक आता है दे आर एब्सोल्युटली इन ए फ्रेम ऑफ डूइंग बिजनेस। उनका इंटेंट बहुत स्ट्रांग होता है। क्या कहा गया? ये कहा गया है कि सोशल मीडिया इज फॉर इंटरेस्ट एंड गूगल इज फॉर इंटेंट। इंटेंट तो आप सोच रहे हो कि गूगल से ट्रैफिक लाना ये तो डिफिकल्ट है, सीपीसी कॉस्ट इतना ज्यादा हाई है, टाइम लगता है। ट्रस्ट मी, आज मैं आपको जो तरीका दिखाने वाला हूं, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो नीश रैंकिंग। माइक्रो नीश रैंकिंग, ट्रस्ट मी गाइस, माइक्रो नीश रैंकिंग के चलते 80 माइक्रो नीश एरिया में हम रैंक कर रहे हैं, मोर देन 80। कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, एज पर बिजनेस प्राइवेसी एंड पॉलिसी सारे चीजें आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ ऐसे दिखाऊंगा। एंड ईच एंड एवरी रैंकिंग या तो कीवर्ड हमें मिनिमम 2 से 3 हाई क्वालिटी क्लाइंट मीटिंग्स जनरेट करके दे रहे हैं, हाई क्वालिटी क्लाइंट मीटिंग जनरेट करके दे। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गो टू द पीसी एंड अंडरस्टैंड द यूज केस इन डिटेल्स। तो गाइस अभी हम लोग अपने पीसी पे आ चुके हैं, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द यूज केसेस। यार माइक्रो नीश कीवर्ड या तो माइक्रो नीश रैंकिंग क्या होता है? लेट्स फॉर एग्जांपल देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड एज डिजिटल मार्केटिंग, लेट्स से एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये होता है एक मैक्रो नीश कीवर्ड, यानी कि एक लॉन्ग टेल कीवर्ड जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, हाईली कॉम्पिटिटिव। लेकिन अगर मैं गूगल के सजेशन को देखूं, इफ आई लुक एट द गूगल ऑटो सजेस्ट या तो गूगल के सजेशन को देखूं, गूगल ड्रॉपडाउन को देखूं, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं माइक्रो नीश कीवर्ड्स, यानी कि ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग फॉर अगर मैं टाइप करता हूं, तो देख सकते हो ये जो कीवर्ड्स है ना, डिजिटल मार्केटिंग फॉर हेल्थ केयर, डिजिटल मार्केटिंग फॉर फैशन ब्रांड्स, डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स, ये एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले इंटेंट वाले कीवर्ड है। दैट मींस ये जो कीवर्ड्स टाइप करेंगे ना, ये स्पेसिफिक नीश ऑडियंस टाइप करेगा और उनके इंटेंट और उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है। तो अब मैं जब कंपटीशन की बात कर रहा हूं, तो यार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग फॉर लेट्स से हेल्थ केयर ये भी एक कीवर्ड है। तो दोनों कीवर्ड में डिफरेंस क्या है? कीवर्ड में डिफरेंस है कि रैंकिंग, लोग कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है रैंक करना, ट्रस्ट मी इट इज नॉट, 1 महीने का हार्ड वर्क एंड यू विल गेट बिजनेस फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। देखो अगर मैं गूगल के ऊपर आता हूँ, कंपटीशन कैसे चेक करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसे कहते हैं गूगल ऑपरेटर। बहुत सारे टेक्निकल चीजें आप सिखाते हैं गाइस अपने एडमी के लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम में। वन ऑफ द कॉन्सेप्ट हियर इज ऑल इन टाइटल। आपको गूगल पे आना है, ऑल इन टाइटल टाइप करना है और कलोन लगाना है। ये गूगल ऑपरेटर है जो आपको इमीडिएटली बताएगा कि कोई भी कीवर्ड को कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने टाइटल टैग में यूज कर रहे हैं। दैट मींस क्लियर कट इंडिकेशन है कि कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो एग्रेसिवली उस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर मैं टाइप किया, लेट्स से यहाँ पे कलोन देना है, सो आई जस्ट गिव ए क्विक कलोन, तो आपका ऑपरेटर कुछ इस तरह से वर्क करेगा। तो देख सकते हो 15 लाख रिजल्ट आ रहे हैं। That means 15 लाख ऐसे पेजेस हैं जिन्होंने अपने टाइटल टैग में बहुत ही क्लोज फॉर्मेट, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड कीवर्ड्स लगाया, which is very similar to digital marketing agency। जितने भी कीवर्ड्स हैं देखो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, 15 लाख पेजेस है। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर लेट्स से मैं कर देता हूँ लेट्स से योगा स्टूडियो, ठीक है, योगा स्टूडियो, तो देख सकते हैं इमीडिएटली ओनली टू रिजल्ट। दुनिया भर में जितने भी योगा स्टूडियो है, अगर वो उन्हें डिजिटल मार्केटिंग करना है और ये कीवर्ड टाइप करेंगे गूगल के ऊपर रिसर्च करने के लिए, तो सोचो अगर आपका कीवर्ड पे, आपका आर्टिकल या तो आपका सेल्स पेज या लैंडिंग पेज रैंक कर रहा है, तो इमीडिएटली विल ग्रैब अटेंशन, क्योंकि वो बंदे का इंटेंट बहुत क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग फॉर लेट्स से योगा, डिजिटल मार्केटिंग फॉर लेट्स से फैशन, तो देख सकते हो अगेन Only 41 people are trying to rank on Google। अभी सिर्फ आप 41 लोगों को ही आपको हराना है। उस केस में, प्रीवियस वाले केस में सिर्फ 2 लोगों को आपको हराना था, डिजिटल मार्केटिंग फॉर लेट्स से स्टार्टअप्स। तो देख सकते हो अगेन स्टार्टअप्स इन इंडिया, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया, इट्स अ फर्दर माइक्रो निश चाहते हैं।
तो आप सोचोगे कि सर इस पे ट्रैफिक नहीं है, देखो ओनली 10 रिजल्ट, ओनली 10 रिजल्ट, तो देखो आपको लगेगा कि सर इस पे तो ट्रैफिक नहीं है। भाई ट्रैफिक लेके करोगे क्या, हम क्या ई कॉमर्स का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? हाँ, क्या हमें फंडिंग मिला हुआ है? हमारा ट्रैफिक एक्विजिशन हमारा गोल है? हमारा गोल है हाई टिकट हाई इंटेंट क्लाइंट्स लेना जो हमें रिकरिंग बेसिस पे पे करें। यार हर महीने अगर 3-4 क्लाइंट भी अक्वायर कर रहे हो, पेइंग यू 1 लाख रुपी और पेइंग यू 50,000 रुपीज, जो कि एक हाई इंटेंट ट्रैफिक है, तब आप सोचो ना कि एक बार एक्विजिशन करने के बाद क्लाइंट को आप साल भर वो आपको पैसे देने वाला है, क्योंकि हमारा बिजनेस इज नॉट अबाउट सेल्स, इट इज अबाउट रीऑर्डरिंग, बार बार रिकरिंग होता है, राइट? सो मैं आपको कुछ यूज केसेस दिखा रहा हूँ गाइस, सारे नहीं दिखा सकता ड्यू टू कंपनी पॉलिसीज एंड प्राइवेसी थिंग। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आते हो यहाँ पे, टाइप करोगे डिजिटल मार्केटिंग फॉर योगा स्टूडियोस, लेट्स से योगा स्टूडियोस, ठीक है, योगा स्टूडियो, तो देख सकते हो गाइस ऑन द सेकेंड पेज, ऑन द सेकेंड इट इज रैंकिंग, ऑन द सेकेंड इट इज रैंकिंग। अगर आप टाइप करोगे लेट्स से हाउ टू जनरेट, लेट्स से हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया, ठीक है, हाउ टू जनरेट स्टार्ट लीड्स फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया, अगेन यू सी इट्स ऑन द सेकेंड स्पॉट, सेकेंड स्पॉट, सेकेंड स्पॉट, राइट, इट इज ऑन द सेकेंड स्पॉट बॉयज एंड गर्ल्स। सी जैसे अगर आप टाइप करोगे फाइंड यू नो क्लाइंट्स फॉर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स इन इंडिया, अगेन यू सी गाइस फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट फर्स्ट आर्टिकल, आर यू अंडरस्टैंडिंग, इट इज द फर्स्ट आर्टिकल। जैसे आप टाइप करेंगे डिजिटल मार्केटिंग फॉर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स इन इंडिया, तो आप देख सकते हो ना कितना बड़ा मार्केट है इंडिया। इंडिया इज एक्चुअली द हब फॉर मेडिकल टूरिज्म, राइट, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर हॉस्पिटल। तो अगर आप इसे टाइप कर दो तो अगेन यू विल सी समवेयर हियर, अगेन यू सी समवेयर हियर, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग फॉर लाइफ कोचेस, अगेन यू सी इट इज रैंकिंग ऑन द फर्स्ट स्पॉट, इट इज रैंकिंग ऑन द फर्स्ट सेकेंड स्पॉट, राइट। तो पॉइंट क्या है दोस्त, कि जैसे ही आर्टिकल पे कोई बंदा पढ़ेगा ना, गेम कहाँ पे है आप देखो, वेयर एग्जैक्टली इज द गेम कहाँ है। देखो ये आर्टिकल अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, आप देखो ये आर्टिकल बंदा पढ़ा, बहुत सारे डिटेल में ये आर्टिकल समझाया, आर्टिकल के चारों तरफ हमने अपने कंसल्टेशन के मर्चेंडाइजिंग करके रखे हैं। एवरी आर्टिकल इज अ गेटवे टू एंटर इनटू आवर कंसल्टेशन, एंटर इनटू आवर फ्री कंसल्टेशन। एंड पे आओगे भी तो देखो इट इज आस्किंग दैट यू वांट टू ग्रो योर पेशेंट अपॉइंटमेंट्स इन 30 डेज, बुक ए फ्री कंसल्टेशन, कॉल टू एक्शन। सो दिस बिकम्स ए वेरी प्रीमियम एंड इलीट लीड जनरेशन सोर्सेस। एंड ट्रस्ट मी, आपको लगता होगा कि यार डिफिकल्ट है एसईओ, नो, अगर आप स्ट्रेटेजिकली डिसिप्लिन तरीके से, यू नो, हम 2 महीने का पेड इंटर्नशिप कराते हैं जहां पे हम ये सारा माइक्रोनिश कीवर्ड पे रैंक कराना सिखाते हैं, सिखाते अपने मेंटीज लोगों को पूरा ग्रोथ हैक तरीके से, ग्रोथ हैक, इट्स वेरी सिंपल, 1 month ऑफ हार्ड वर्क, रेस्ट ऑल द लाइफ यू विल जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स। तो गाइस गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज क्या है, जैसे अभी आपने एक तरीका देखा, देर आर सो मेनी इनबाउंड मेथड्स, सो मेनी आउटबाउंड मेथड्स, दो मेनी ब्रांडिंग इनिशिएटिव जिससे आप हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हो। अगर आप, इफ यू आर समवन जो कि एक इंडिविजुअल हो और अपना प्रोफेशनल करियर बिगिन करना चाहते हो इन द डिजिटल मार्केटिंग, फिर हाई पेइंग जॉब, इफ यू आर अ फ्रीलांसर स्ट्रगलिंग, इफ यू आर एन एजेंसी ओनर वॉन्ट टू ग्रो योर बिजनेस, या फ्रीलांसर हो एजेंसी ओनर बनना चाहते हो, देन द गुड न्यूज क्या है, इफ यू जस्ट गिव मी 1 मिनट आई कैन टेल यू हाउ एडमी कैन हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस, योर पर्सनल लाइफ फ्रॉम जीरो टू मल्टी मिलेनियर। नंबर 1, एडमी प्रोवाइड्स एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप एंड नोबडीज आर कॉम्पिटिटर, वी आर द नंबर 1 अकेडमी फॉर बिजनेस एंड फ्रीलांसिंग एंड एजेंसी बिल्डिंग एंड मार्केटिंग सेल्स कोचिंग इन द होल एशिया राइट नाउ। लाइव क्लास मॉडल में होता है, यू विल बी, आई विल बी इंटरेक्टिंग विथ यू एब्सोल्युटली लाइव, जो भी क्वेश्चंस होंगे नो मैटर फ्रॉम सेल्स डेवलपमेंट मार्केटिंग कैंपेन्स फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑपरेशन क्लाइंट हैंडलिंग डिलीवरी एवरीथिंग, वी कवर ऑल द पार्ट्स। मार्केट ऐसे स्क्रीन पे देख रहे हो, वी कवर मार्केटिंग, वी कवर सेल्स, वी कवर द ऑपरेशन डिलीवरी, वी कवर ऑल सॉर्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस एनालिटिक्स एंड मेजरमेंट, एवरीथिंग इन वन अंडर गो। गाइज लाइव सेशन है, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि घर पे बैठे हो, ऑफिस पे बैठे हो, कहीं पे भी कोई डाउट आया, यू आर जस्ट 1 कॉल अवे। नंबर 3, इन सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन पे कभी भी कोई डाउट हुआ, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो।
नंबर फोर, वन टू वन यू कैन ऑल्सो बुक ए कंसल्टेशन डायरेक्टली विथ मी, वन टू वन, वन टू वन. हाँ, एवरी संडे वी आर फ्री एंड वी टॉक वन टू वन. आपके बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, पर्सनल, बिजनेस, प्रोफेशनल, टीम, क्लाइंट. जस्ट टॉक टू मी एंड टेक माई एक्सपीरियंस. हाँ, एडवाइजरी, और ये भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस की तरह आपको मिल रहा है गाइज. प्लस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, सबसे बड़ा लाइब्रेरी हमने क्रिएट किया है. यानी कि लाइव क्लास के अलावा जो भी आप क्लासेस में पढ़ोगे, सेशंस पे प्रैक्टिस करेंगे, वो सारा मटेरियल इन एन ऑटो अपग्रेडेबल मोड आपको मिलेगा. दैट मीन्स वन टाइम एनरोलमेंट, लाइफ टाइम लर्निंग. ऑटो अपग्रेडेबल यानी कि जो भी नए टेक्नोलॉजीज, नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे इन फ्यूचर, उन सारे चीज़ों का ट्यूटोरियल आपको इन लाइब्रेरी के अंदर आपको मिलता रहेगा. नेक्स्ट कम्स गाइज 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप. पेड इंटर्नशिप यार, लाइव कीवर्ड्स पे काम करो, लाइव मीडिया बाइंग पे काम करो, एड कैंपेन पे लाइव सीखो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स, हमारे टीम लीडर्स, हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ. यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. यू विल बी लर्निंग एवरीथिंग. आपको टाइम डिसिप्लिन, आपको वर्क मैनेजमेंट, वर्क अलोकेशन, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट कैसे वर्क करता है, एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, नो मैटर वेयर यू आर. लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग, डायरेक्टली लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री. आई एम हियर टू हेल्प यू. यू आर स्टिल थिंकिंग स्मार्ट पीपल इन्वेस्ट हियर. डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम. ऐसे चीज़ों पे पैसे खर्च मत करो जहाँ पे यू नो जो आपके लाइबिलिटीज बन जाए. महंगे जूते, महंगे गाड़ियाँ, यू नो शादी करनी है, महंगे महंगे कपड़ों को पहनना है. सक्सेसफुल पीपल इन्वेस्ट हियर. Invest here, and trust me, this course is not for time passers. It is only for the people जो अपने career को strongly build करना चाहते हैं. I think not even in IIM you will get this kind of learning. Still thinking? Click on the link below. Download the syllabus. Book a counseling directly with our team. The next batch is starting soon. This is Alok Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.